आज भूगोल से पुनाम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यानी जब मध्य रात्रि होती है तो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंटार्कटिका के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? अगर बात की जाए कि सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है वो सूर्य में काला धब्बा होता है। यानी क्या, सूर्य में हाइड्रोजन का मिश्रण होता है कितना परसेंट? यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत मिश्रण होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 74%। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी कि जो सौर का पृष्ठ है वहाँ पे कितना तापमान होता है, तो यहाँ आपको बता दूँ कि 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।